तो हेलो एवरीवन, ये है ट्री हाउस एजुकेशन के क्वार्टर थ्री के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 172 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 219 लाख यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अब बात करते हैं शेयर के टोटल एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 688 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 213 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है, वैसे तो एक्सपेंस तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं, इनकम यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 516 लाख था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था। अब जो है 83 लाख यहाँ पर हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो है ईयरली बेसिस में 1.22 रुपये है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। अब जो है 0.20 पैसे यहाँ पर हो गया है, ब्रैकेट में है यानी कि लॉस में है। ऑल ओवर हम एनालाइज़ करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर जो है मीडियम देखने को मिले हैं, इतने कुछ खास भी नहीं है। मंडे को इस शेयर के यहाँ पर अप ट्रेंड जाने के चांसेस है। मैक्सिमम टारगेट 26 रुपये के अराउंड तक वैसे जा सकता है। तो इस शेयर को यहाँ पर सेल करना चाहे तो आप इस शेयर को मंडे को यहाँ पर सेल करके एग्जिट ले सकते हैं।